मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर एंड टुडे आई विल टीच यू मैथ्स ऑफ क्लास 8 एंड टुडे वी कंटिन्यू चैप्टर 2 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स एंड टुडे वी डू एक्सरसाइज 2.5 पार्ट 1. सो लेट्स ओपन योर मैथ्स बुक. दिस इज योर मैथ्स बुक, मैथ्स ऑफ क्लास 8. This is exercise 2.5. Question number 1 is find the square roots of the given numbers. देखिए ये numbers दिए हुए हैं, इन numbers के हमें square roots find करने हैं. अभी इससे पहले हमने square roots prime factor से find किए थे, अब हम division method से square root find करेंगे. So let's see how we find square roots. क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट, नंबर इज 2304. देखिए ये एक हमारा नंबर है, इस नंबर का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड से. देखिए किस तरह से करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिए आप और देखिए कि किस तरह से हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं. सबसे पहले हम बच्चों क्या करते हैं, जिस तरह से हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं उसी तरह से हम इसको लिख लेंगे. यानी कि हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे डिवाइड की तरह, यहाँ पर बस ये लाइन नीचे की जगह पे हम यहाँ पर ऊपर लगाएंगे. ओके, अब इस नंबर को यहाँ पर हम लिखेंगे 2304. अब हमें बच्चों क्या करना है, पीछे से 2 नंबर्स का पेयर बनाएंगे, यानी कि जोड़े बनाएंगे, फ्रेंडशिप करेंगे. यानी 4 और 0 इन दोनों की फ्रेंडशिप हो गई, तो इन दोनों का पेयर बन जाएगा. तो हम यहाँ पे देखो इस तरह से मैंने लाइन बना दी है, इन दोनों का पेयर बन गया. इसके बाद 3 और 2 का, इन दोनों को हमने एक साथ रख दिया कि आप इसके साथ रहोगे, इनका पेयर बन गया. यानी कि पीछे से हम 2 नंबर्स के पेयर बनाते चले जाएंगे जितने भी यहाँ पर डिजिट होंगी. अगर कोई डिजिट यहाँ बच जाती है तो उसे हम अकेला ही छोड़ देंगे. ओके, अब यहाँ पे हमारे 4 डिजिट हैं, तो दोनों के 2 पेयर्स बन गए. एक पेयर हमारा ये है और सेकंड पेयर हमारा ये है. अब हम बच्चों ये फर्स्ट पेयर क्या हमारा यहाँ पर 23. अब हम यहाँ पर ऐसा नंबर लिखेंगे कि जिसका स्क्वायर या तो 23 हो या फिर 23 से कम हो. स्क्वायर का मतलब है उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करके देखना है. जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 3, तो 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3, तो 3 × 3 = 9, 9 तो बहुत कम है. अगर हम 4 लिखते हैं, यहाँ 4 लिखते हैं, तो हम यहाँ भी 4 लिखेंगे. जो नंबर हम यहाँ लिखेंगे वही नंबर हम यहाँ लिखेंगे, दोनों जगह सेम लिखना है. फिर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 4 = 16, तो 23 से कम है. अभी हम और देखते हैं, हम यहाँ लिखते हैं 5, तो ऊपर भी हम 5 लिखेंगे, तो 5 × 5 = 25. अब देखो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ 5 नहीं लिखेंगे, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 4. तो देखो हमने यहाँ पे 4 लिखा, यही नंबर हम बच्चों इसके ऊपर यहाँ लिखेंगे हम. अब इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 4 × 4 = 16. अब 23 के नीचे 16 लिखेंगे हम. अब माइनस कर देंगे हम, माइनस करो. अब यहाँ से लाइन हम बनाना शुरू करेंगे बाहर से. देखो 3 से 6 माइनस नहीं होगा, कैरी ले लेंगे. 13 में 6 = 7 और यहाँ क्या बचा, 0, तो यहाँ क्रॉस कर दो. अब ये पेयर है, ये पूरा पेयर एक साथ हम नीचे लिखेंगे, क्योंकि इनको हमने जोड़ दिया, एक साथ बांध दिया है, तो ये दोनों एक साथ ही नीचे आएंगे, 04. अब ये क्या बन गया, 704. बच्चों ये नंबर जो लिखा हुआ था यही नंबर हम दोबारा यहाँ इसके नीचे लिखो, फिर इसको प्लस कर दो, तो 448. ओके, अब हमें क्या करना है, अब 8 के पीछे हम यहाँ पे जो भी नंबर लिखेंगे वही नंबर हम ऊपर लिखेंगे. फिर ये पूरा नंबर हमारा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 2, तो ये बन जाएगा 82.
और 80 यहाँ पे 2 है तो ऊपर भी 2 लिखूंगी, तो 82 में फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो इसके बराबर हमें आना चाहिए। ओके देखिए कितना आता है, ये अभी थोड़ा हम रफ में करके देखते हैं। देखिए जैसे ये हमारा रफ है, अगर यहाँ पर ये 8 है, ये 8 मैंने यहाँ लिख लिया, इसके पीछे अगर मैं यहाँ पे 2 लिखती हूँ तो ये ऊपर भी 2, तो ये 2 मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 2 जा 4, 2 8 जा 16, तो कितना आया 164। और हमें बच्चों कितना चाहिए 704, ये तो बहुत कम है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो हम यहाँ पर 2 नहीं लिखेंगे, हम ये 8 है, ये 8 है, अब इसके पीछे हम लिखेंगे, मान लीजिए हम लिखते हैं सेवन लिखते हैं, तो 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 जा 49, यहाँ 4 आ गया, 7 8 जा 56, 6 ना, ओ ये तो कम है, 704 और ये 609, ये तो कम है, 7 भी नहीं लिखेंगे हम, और आगे बढ़ेंगे, या 8, अब 7 तो नहीं आया, 8 लिखेंगे, या 8 है तो नीचे 8 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 8 जा 64, 6, तो 8 8 जा 64 और 6 70, ओ देखो ये नंबर दोनों सेम आ गए, तो कितना लिखा था बच्चों हमने 8, तो हम यहाँ 8 लिखेंगे। ओके तो यहाँ हम 8 लिखेंगे और यही डिजिट हम ऊपर लिखेंगे यहाँ, अब इनका मल्टीप्लाई करने से कितना आया था इसके बराबर, तो हम यहाँ 704 लिख देंगे। अब हम करेंगे माइनस, तो देखो दोनों सेम है तो 0 बचेगा, और यहाँ पे जब 0 हो गया तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, तो स्क्वायर रूट कितना आया बच्चों 48। अब हम इसे लिखेंगे कैसे, देयरफोर अंडर रूट, ये नंबर हम अंडर रूट में लिखेंगे, 2304 इक्वल, अब यहाँ पे देखो हमें डिवाइड करने से ऊपर कितना आंसर आ रहा है 48, तो यहाँ लिख देंगे हम 48, सो दिस इज़ द आंसर। तो इस तरह से हमने इस नंबर का, ये कौन सा मेथड है बच्चों, डिवीज़न मेथड, इसे हम डिवीज़न मेथड कहते हैं, तो उस डिवीज़न मेथड से हमने स्क्वायर रूट निकाला। एक क्वेश्चन और देखिए जिससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए, देखिए जैसे है बी पार्ट, बी पार्ट में है 4489, ये नंबर है, पहले हम इसी तरह से लिखेंगे, देखो हमने इस तरह से किया, इसको इस तरह से किया, डिवाइड करना है, अब ये नंबर इसके अंदर लिखेंगे। अब क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या होता है बच्चों, पेयर बनाना, तो सबसे पहले हम इन नंबर के पेयर बनाएंगे, तो हम राइट साइड से शुरू करेंगे, 2 2 नंबर्स, तो 9 और 8 इन दोनों का 1 पेयर बन गया, इसी तरह से 4 एंड 4 इन दोनों का ये सेकंड पेयर बन गया, हमने अब पेयर बना लिए। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पर एक ऐसा नंबर लिखना है जिसमें हम उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 44 आ जाए या उससे कम, तो चलिए देखते हैं हम कौन सा नंबर लिखते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर 6 लिखती हूँ, तो हम ऊपर भी 6 लिखेंगे क्योंकि दोनों तरफ सेम नंबर होने चाहिए, तो 6 6 36, अब 36 देखो 44 से कम है, तो थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, 7, अगर हम यहाँ 7 लिखते हैं तो ऊपर भी हमें 7 ही लिखना है, तो 7 7 जा 49, 49 तो ज़्यादा हो जाएगा तो हम 7 नहीं लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 6, तो देखो हमने यहाँ 6 लिखा और यही 6 हम ऊपर भी लिखेंगे, दोनों सेम होने चाहिए, ऐसा मत करना आप कि यहाँ 6 है तो ऊपर 7 लिख दो, नहीं, ये दोनों सेम डिजिट होती हैं। अब 6 6 36, तो हम इसके नीचे 36 लिखेंगे और अब हम क्या करेंगे, माइनस, तो माइनस का साइन लगा दीजिए, अब हम इसे माइनस कर देते हैं,
क्योंकि 4 में से तो 6 माइनस नहीं होगा, तो क्या करेंगे हम, बोरो करेंगे, तो 14 में से 6 माइनस करेंगे 8, और 3 माइनस 3 0, तो हम यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। अब देखो ये पेयर बचा हुआ है, अब ये पूरा का पूरा पेयर हम एक साथ नीचे लिखेंगे। ऐसा मत करना कि आप एक नंबर नीचे लिखना और एक डिजिट ऊपर ही छोड़ दें, नहीं, पूरा पेयर एक साथ लिखना है तभी हमारा आंसर सही होगा। तो पेयर हमने यहाँ लिख लिया 89, अब ये पूरा नंबर बन गया हमारा 889। अब देखिए यहाँ पर अब क्या करना है, ऊपर जो हमने लिखा हुआ है 6, इसी 6 को सबसे पहले हम यहाँ प्लस कर लेंगे। यहाँ लिखो 6, अब प्लस कर लो 6 6 12, आ गया बच्चों 12। अब हमें 12 के पीछे एक ऐसी डिजिट लिखनी है फिर जो हमें नया नंबर मिलेगा उसमें हमें उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें ये नंबर मिलना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा ये रफ वर्क होगा हमारा। देखिए ये हमारा 12 है, देखो मैंने 12 लिख लिया। अब इसके पीछे मान लीजिए अगर मैंने 3 लिखा है तो हम इस नंबर में 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, किसी और डिजिट से मल्टीप्लाई नहीं करना है। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3, तो 369 मिल रहा है। और हमें कितना चाहिए, 889, ये तो बहुत कम है, तो हम और आगे बढ़ते हैं तो हम 3 नहीं लिखेंगे। अब देखिए फिर 12 है, अब 12 के पीछे कौन से डिजिट लिखेंगे, फिर हम 7 लिखकर देखते हैं। 7 लिखा हमने, देखो अब नीचे 7 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, 7 7 जा 49, 9 आ गया, 4 कैरी आ गया, 7 2 जा 14 और 4 18, तो यहाँ 8 लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा 8 कैरी। अब 7 1 जा 7 और 8 15, तो ये तो हमारा बहुत ज़्यादा हो गया, तो हम क्या करेंगे, कम करेंगे फिर। अब देखिए अब दूसरे डिजिट लिखेंगे हम, ट्वेल्व के पीछे हम लिखते हैं 6, तो 6 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 जा 36, फिर 3 कैरी हो जाएगा, 6 2 जा 12 और 3 15, 5 फिर 1 आ जाएगा बच्चों, और 6 1 जा 6 और 1 7, तो ये हमारा अभी कम है। ओके, हमें चाहिए कितना, 889, तो हम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 7 देखिए, 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 7 जा 49, 4 7 2 जा 14 और 18, 1 कैरी, 7 1 जा 7 और 1 8, यह हमारा देखिए इसके बराबर आ गया, तो हम 7 लिखेंगे, तो यहाँ 7 और ऊपर भी 7, दोनों सेम डिजिट होनी चाहिए। अब दोनों नंबर हमारे सेम है, माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, अब यहाँ 0 हो गया, यानी कि हमारा डिवीज़न कंप्लीट हो चुका। अब हम आंसर लिखेंगे, देयरफोर अंडर रूट 4 4 8 9 इक्वल, आंसर कितना आया, 67, तो हम यहाँ लिखेंगे 67, सो दिस इज़ द आंसर। तो इसी तरह से बच्चों आपको ये जो नंबर्स आपके दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, इसी तरह से आप डिवीज़न मेथड से इन सभी नंबर्स के स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। सो पार्ट 1 इज़ कंप्लीटेड, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।